हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है? तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इससे पहले के लेक्चर में हमने बहुत सारे जो राइट्स जो हैं उसमें डिस्कस किया है, कृपया करके उसको देखिए, उसके बाद इस राइट को ही पढ़िए, ठीक है? एग्जाम के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। फ्रीडम ऑफ कंशियंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, मतलब आपको पूरा पूरा फ्रीडम है, आपको आज़ादी है, आप किसी भी धर्म को अपनाओ, उसको प्रैक्टिस करो और उसका प्रचार करो, ठीक है? इसके लिए आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? आप अपना धर्म भी चेंज कर सकते हो, ठीक है? ये कहता है आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इसका मतलब है आपको पूरी तरह से फ्रीडम है कि आपकी रिलीजन का कोई भी अफेयर है, अगर आप कुछ धर्म के नाम पे कुछ प्रचार करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, है ना? तो धर्म के नाम पे अगर कोई इंस्टीट्यूशन खोल करके आप प्रचार करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, ये आर्टिकल 26 के अंदर है, ओके? आर्टिकल 27 कहता है फ्रीडम ऑफ टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। इसमें है कि अगर किसी भी रिलीजन का प्रचार किया जा रहा है तो आपने उसमें कोई टैक्स देने की कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है, ओके? जैसे कि अगर हिंदुओं का प्रचार चल रहा है, वो अपने संस्था के अकॉर्डिंग लोगों को बता रहे हैं हिंदुइज्म के बारे में, है ना? तो इसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना, ठीक है? वो प्रचार कर रहे हैं वो करेंगे, लेकिन आपने किसी भी रिलीजन के नाम पर कोई भी अगर टैक्स ले वो आप नहीं दे सकते, ये कहता है हमारा आर्टिकल 27। अगर हम बात करें आर्टिकल 28 में, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। अब अगर कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, कोई यूनिवर्सिटीज़ है ना, कोई भी अगर उधर धर्म के नाम पे कोई चर्चा हो रही है तो आपको कोई कंपेल नहीं कर सकता, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आपने वहाँ पे जाके उसमें पार्टिसिपेट करना ही करना है, ठीक है? आपको पूरी तरीके से फ्रीडम है, आप अटेंड करो या नहीं करो, ठीक है? एक चीज़ और है, जैसे कि कोई एक स्टेट है, जैसे हम बात करें राजस्थान की, ठीक है? तो राजस्थान की गवर्नमेंट कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं खोल सकती, ठीक है? किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन, जैसे कि कोई वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम ही वहाँ पे पढ़ने आएंगे, हिंदू नहीं आएंगे, इस तरह का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं खोल सकते। धर्म के नाम पे कोई भी स्कूल नहीं खुल सकता, ठीक है? तो आज के लेक्चर में हमने चार चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है? आर्टिकल 25 में हमने ये पढ़ा कि किसी भी धर्म को अपना लो, ठीक है? उसको प्रोफेस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो और उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है? इसमें आपको फ्रीडम है। आर्टिकल 26 में रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हो, ठीक है? उसमें भी आपको फ्रीडम है। फिर पढ़ा कोई भी टैक्स नहीं आप दोगे, ओके? तो आर्टिकल 28 में हमने पढ़ा कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उसको अटेंड करना आपके लिए कंपलसरी नहीं है, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।